नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी क्लास नंबर 23, यूपी ट्रिपल एस सी एनएम फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन लेखपाल अन्य महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपका सभी जो है प्रश्न एकदम क्लियर हो जाएगा, कौन कौन से प्रश्न पीटी में आते हैं, अन्य भर्ती परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, और एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में देखते हैं। अभी तक भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल जो है आप लोग को पढ़ा दिया हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था से कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। वन लाइनर है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास, राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक विकास से कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद से है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति आय है। यह उस देश के वास्तविक आर्थिक विकास की सही तस्वीर प्रस्तुत करता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको GNP, किसी देश के नागरिक द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य होता है, जिसमें से पूंजी ह्रास को घटाने से निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। GNP से NNP प्राप्त होता है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन से विद्यमान होते हैं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र जो है विद्यमान होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है, पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता के मुख्य कारण हैं तेजी से बढ़ती जनसंख्या, साहसीपन का अभाव तथा अपर्याप्त अधो संरचनात्मक सुविधा। भारत में विकास दर के अपेक्षित स्तर को न प्राप्त करने का प्रमुख कारण ऊंचा जो है पूंजी उत्पाद अनुपात है। यदि एक व्यक्ति किसी समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी होती है तो उसको हम वास्तविक आय सदैव अपरिवर्तित रहेगी। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन करते हुए 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का आकलन किया था। अब तो दोस्तों बहुत ही महंग है, महंगाई चरम पर देख रहे हैं आप लोग। भारत में राष्ट्रीय आय समूहों का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन मतलब CSO द्वारा किया जाता है, परंतु वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा किया जा रहा है। पहले केंद्रीय से होता था, अब जो है राष्ट्रीय से हो रहा है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का गठन 2 मई 1951 को किया गया था। हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में से वृद्धि से है। भारतीय रिजर्व बैंक की नीतिगत दरें 9 अक्टूबर 2020 तक का जो है अद्यतन इसमें दिया है। बैंक दर 4.25 है, रेपो दर 4% है, रिवर्स रेपो दर 3.35% है। भारतीय रिजर्व बैंक के आरक्षित अनुपात दर जो है CRR 3% है, SLR जो है 18% है। CSR कैश रिजर्व रेशियो, अक्सर फुल फॉर्म भी पूछा जाता है CSR का फुल फॉर्म क्या है, तो कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। SLR का फुल फॉर्म है सांविधिक तरलता अनुपात जिसको कहते हैं। OGL ओपन जनरल लाइसेंस इसको कहते हैं। WPI मतलब होलसेल प्राइज इंडेक्स इसको हम कहते हैं। 1991 में नरसिंहा राव सरकार के सत्ता ग्रहण के पश्चात अपनाई गई नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण का प्रारंभ हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण का प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग द्वारा किया जाता है। सतत आर्थिक विकास है, अस्थाई विकास से तात्पर्य है प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुँचाए बिना आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। समावेशी विकास का आशय समाज के सभी वर्गों तक संसाधन एवं सुविधाओं की पहुंच से है। कृषि एवं बौद्धिक क्षेत्र से कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं वो देख लिए जाते हैं। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करना होता है। वर्ष 2011 की जनगणना
के अनुसार उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक 61.3% कर्मचारी जो है नियोजित हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने अप्रैल 1985 में प्रारंभ व्यापक फसल बीमा योजना की जगह वर्ष 1999-2000 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ किया। हैंडबुकर ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का प्रकाशन है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है जहां पर उत्पादन के अधिकांश साधनों के ऊपर निजी व्यक्तियों का नियंत्रण रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहां पर उत्पादन के अधिकांश साधनों पर सरकार का नियंत्रण रहता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में मात्रात्मक सुधार अथवा संरचनात्मक सुधार निर्धारित किया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हैराल्ड डोमर ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक लागू रही। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक लागू रही। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य औद्योगिक विकास निर्धारित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। यह पूछा गया क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर है, तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक लागू रही। तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो रहा दोस्तों, यह पूछा गया क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में गुणात्मक सुधार निर्धारित किया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक लागू रही। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो था, स्थिरता के साथ विकास निर्धारित किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक लागू रही। पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है दोस्तों, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक लागू रही। सातवीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों, पंचवर्षीय योजना जरूर पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, वीडियो को शेयर करते जाइएगा। 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक रही सातवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक लागू रही। आठवीं पंचवर्षीय योजना का मूलभूत उद्देश्य विभिन्न पहलुओं में मानव विकास करना था। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक लागू रही। नौवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास निर्धारित करना, यह पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। दसवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक लागू रही। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक लागू रही। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो रहा दोस्तों, समावेशी विकास निर्धारित किया गया था। अब बारहवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक रही। बारहवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र धारणी एवं अधिक समावेशी विकास था। किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में वर्ष 1992 में लागू की गई थी दोस्तों। बारहवीं पंचवर्षीय योजना आप लोगों ने देखा ही है। अब दोस्तों यह जो है 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक है। अब इसमें 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2022 तक जो है, यह कौन सी रहेगी दोस्तों, आपकी जो है 23 तक है, 22 तक जो है दोस्तों 13वीं पंचवर्षीय योजना रहेगी। अभी 13वीं पंचवर्षीय योजना का जो है इसमें मेंशन नहीं हुआ है। किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में 1992 में लागू की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि में ऋणात्मक विकास प्रदर्शित हुआ था। इसमें देख सकते हैं दोस्तों नीली क्रांति, इससे बहुत क्वेश्चन बने हैं, आप इसको रट लीजिएगा। नीली क्रांति जो है मत्स्य मछली उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन से है दोस्तों, तेल वगैरह से, आप सरसों वगैरह जानते हैं, इसे याद रखिएगा। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है। लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर से है। श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध उत्पादन से है। सदाबहार क्रांति का उत्पादन जो है कृषि समग्र विकास से संबंधित है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य बागवानी क्षेत्र में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना, सस्योत्तर व्यवस्था तथा मानव संसाधन का विकास करना। तिलहन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत
आच्छादित नहीं है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 ईस्वी से माना जाता है। कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर को हरित क्रांति की जन्मस्थली कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक M.S. स्वामीनाथन, दोस्तों यह पूछा गया क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक M.S. स्वामीनाथन हैं। श्वेत क्रांति की गति तेज करने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, जिसका संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से, यह पूछा गया क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड। दोस्तों जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी उत्पादन प्रणाली है जो मृदा पारिस्थितिक तंत्र और लोगों को स्वास्थ्य के अनुकूल होती है। नेफेड राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता का शीर्ष संगठन है। कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की होती है। कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 8 जनवरी 1965 को हुई थी। वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। कृषि लागत और मूल्य आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली, यह पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों कृषि लागत एवं मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है। सरकार अधिप्राप्ति मूल्यों या वसूली मूल्यों पर कृषकों से कृषि उपज का क्रय करती है। कर्नाटक भारत में काफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, पूछा गया क्वेश्चन है काफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में कौन है, तो कर्नाटक है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कर्नाटक में खरीफ फसल पर 2007 में लागू की गई थी। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध कृषिगत उत्पादों की निर्यात वृद्धि से है। भारत में कृषि आय पर कर आरोपण राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। G.B. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, पूछा गया क्वेश्चन है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है, यह भी पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में है, इसमें दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। उद्योग क्षेत्र से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को की गई थी। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। भारत की दूसरी औद्योगिक नीति 30 अप्रैल 1950 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश की गई थी। भारत में उदारीकरण निजीकरण एवं भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति वर्ष 1991 में घोषित की गई थी। वर्ष 1991 की आर्थिक नीति तत्कालीन प्रधानमंत्री P.V. नरसिम्हा राव द्वारा जो है घोषित किया गया, तत्कालीन किया गया था दोस्तों आर्थिक नीति। भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंसी प्रणाली का आधार उद्योग अधिनियम 1991 से। व्हाइट गुड्स से तात्पर्य अभिजात्य वर्ग द्वारा दैनिक इस्तेमाल में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से होता है। दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, इस समय वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ध्यान से पढ़ते रहिए, एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी आप लोगों को जो है प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर और वन लाइनर मिल जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग मुंबई है, पूछा गया क्वेश्चन है। भिलाई इस्पात संयंत्र को तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से रूस स्थापित किया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ, यह पूछा गया क्वेश्चन है। भिलाई स्टील संयंत्र एक सार्वजनिक उपक्रम है, यह पूछा गया है। भिलाई स्टील संयंत्र की स्थापना 1955 में हुई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से हुई है, पूछा गया क्वेश्चन है। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में हुई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थापित है। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना झारखंड में हुई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में स्थापित है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना उड़ीसा राज्य में की गई है। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की स्थापना 15 सितंबर 2000 को हुई थी, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग के लिए आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त किए जाने से है। गोल्डन हैंड सेक योजना स्वैच्छिक सेवानिवृत्त से संबंध है। हजीरा उर्वरक कारखाना सूरत के निकट हजीरा में स्थित है। हजीरा उर्वरक कारखाना प्राकृतिक गैस पर आधारित है।
क्रिसिल एक वैश्विक विश्लेषणात्मक मूल्यांकन अनुसंधान और जोखिम एवं नीति सलाहकार सेवा प्रदाता कंपनी है। क्रिसिल द्वारा कंपनियों की साख की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग हथकरघा उद्योग है। कपड़ा उद्योग भारत में सबसे पुराना एवं विशाल उद्योग है। भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती मिल वर्ष 1818 ईस्वी में कलकत्ता के निकट स्थापित की गई थी। नेपा नगर को अखबारी कागज के उद्योग से लिया जाना चाहता है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है ये बहुत बार। हाल का पूर्ण रूप क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पूछा गया क्वेश्चन। हथकरघा क्षेत्र के विकास के संबंध में मीरा सेठ समिति का गठन किया गया था। भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था खनिज एवं धातु व्यापार निगम है। दोस्तों BIFR का विस्तारित रूप बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन है। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का ITDC का है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है। तृतीयक क्षेत्र सेवाएं दोस्तों, भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद GDP जिसको कहते हैं का सबसे बड़ा भाग सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र या सेवा उद्योग आता है। तृतीयक क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद से सर्वाधिक योगदान होता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे GDP में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता रहता है। राजकोषीय नीति एवं राजस्व से क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राजकोषीय नीति केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय निर्धारित करता है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति बनाता है। दोस्तों राजकोषीय नीति एवं राजस्व से जो क्वेश्चन बनते हैं और भी क्वेश्चन हैं यह मैं आपको लेक्चर नंबर 24 में बताऊंगा आप लोगों को। और वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाने पे लेंदी लगने लगता है तो आप लोगों के लिए जो है राजकोषीय नीति एवं राजस्व से आगे जो है क्लास में बताया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।